नमस्कार मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज में इस रिपोर्ट में बात करी मैं योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार देखा जाए कि रामपुर का चुनाव हो चुका है लेकिन अभी भी रामपुर के चुनाव को दोबारा कराने की बात की जा रही है क्यों क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो आसिम रजा उतारे गए थे सपा पार्टी की तरफ से और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से आकाश सक्सेना थे आकाश सक्सेना को, को कोई नहीं जानता लेकिन फिर भी तैतीस वोटों से जीत गए आखिर कैसे ये बड़ा सवाल बन रहा है अगर देखा जाए कि कहीं ना कहीं लोकसभा उपचुनाव हुआ था तब भी आसिम

आ रहा है यहां पर पार्टी का आक्रोश यानी सपा पार्टी का आक्रोश भी नजर आ रहा है तो क्या यहां पर माना जाए कि चुनाव आयोग यहां पर अब फैसला ले सकता है यहाँ पर कहीं ना कहीं फटकार लगा सकता है योगी आदित्यनाथ को क्या रामपुर में दोबारा चुनाव हो सकते हैं यहाँ पर आपको बयान बता दें कि अब्दुल्ला आजम का दर्द भी छलकता हुआ नजर आया है रामपुर सीट को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं इतना बदनसीब हूँ कि मैं अपनी जगह को नहीं बचा पाया उन्होंने कहा कि मेरा सच इतना कमजोर था कि हार गया और किसी का झूठ इतना मजबूत था कि जीत गया वहीं पर अखिलेश यादव का ये बयान सामने उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग नहीं कहा था सब लोग वोट डालने जाए अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए लेकिन इस बार यहाँ रामपुर में ऐसा नहीं लोगों को रोका जा रहा था उनको प्रताड़ित किया जा रहा था तो तब नहीं दिखाई दिया चुनाव आयोग को इस तरीके से लोग चुनाव आयोग ऐसा तो आयो कोई फैसला लेता है तो क्या माना जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि रामपुर को भूल वो तो नगर निगम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं अब अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पर आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग को ले लेना चाहिए रामपुर के दोबारा चुनाव पर या फिर नहीं बाकी इसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज